पाठ 13 अव्यय। अव्यय अविकारी का अर्थ जिसमें विकार या परिवर्तन न आए। अविकारी शब्द वे हैं जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिनमें कोई विकार नहीं आता। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। जैसे सचिन और अमित मेरे मित्र हैं। मैं आज वहाँ जाऊँगा। वाह क्या सुंदर दृश्य है, मेरे घर के सामने पार्क है। अव्यय के भेद। अव्यय शब्द चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का तेज भाग रहा है, सरिता धीरे धीरे चल रही है, वह अचानक गिर पड़ा, पिताजी कल आएंगे। इन वाक्यों में धीरे धीरे, तेज, अचानक तथा कल शब्दों से क्रियाओं की विशेषता प्रकट हो रही है। अतः ये क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। कब, कहाँ, किधर, कैसे, कितना आदि प्रश्नों से जो उत्तर मिलते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कब आओगे, अभी, कल, तब, परसों आदि। कहाँ पढ़ोगे, वहाँ, यहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर, अंदर, बाहर आदि। किधर जा रहे हो, इधर, उधर, उस, और आदि। कैसे पढ़ते हो, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे, भली भांति आदि। कितना पढ़ते हो, बहुत, थोड़ा, काफी, पर्याप्त आदि। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के चार भेद माने गए हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, स्थितिवाचक, दिशावाचक, विस्तारवाचक। उदाहरण, इस ओर चलिए, मैं भीतर सोता हूँ, आप कहाँ रहते हैं, यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल सूखा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं, प्रकारवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कारणवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। उदाहरण, वह अचानक गिर पड़ा, वह आज अवश्य जाएगा, शायद वह आ जाए, तुम मत खेलो, आप क्यों रोते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के काल या समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की तीन प्रकार की विशेषताएं प्रकट करते हैं, समय संबंधी, जैसे नीलम अभी आने वाली है, मैं कल घूमने गया था। अवधि संबंधी, जैसे कविता आजकल लिखती है, वह सुबह से शाम तक खेलता रहता है। बारंबारता संबंधी, जैसे वह बार बार परीक्षा देता है पर पास नहीं होता, वह अक्सर बीमार रहता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताएं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये पांच प्रकार के होते हैं, अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्ततावाचक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक। उदाहरण, बंगाल में पटसन बहुत होता है, वह खूब पढ़ता है। क्रिया विशेषण की रचना, कुछ शब्द तो मूलतः क्रिया विशेषण होते हैं, कुछ क्रिया विशेषणों की रचना अन्य शब्दों में प्रत्यय, समास आदि के योग से की जाती है। इस आधार पर क्रिया विशेषणों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों के मेल से ना हुआ हो वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कल, आज, शायद, अचानक, ऊपर, नीचे आदि। यौगिक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो अन्य शब्दों में प्रत्यय लगाकर या समास द्वारा बनते हैं वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिन रात, आजकल, क्षण भर,
प्रेम पूर्वक संभवतः आदि, संबंध बोधक अव्यय। ये वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरे घर के सामने एक दुकान है, यहाँ आने से पहले हम प्रसन्न थे, नीलम चांद की ओर देख रही थी, तुम मेरे पास खड़े हो, आज पैसे के बिना कोई नहीं पूछता। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द के सामने से पहले की ओर पास के बिना संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक के प्रकार। प्रयोग की दृष्टि से हिंदी में दो प्रकार के संबंध बोधक पाए जाते हैं। ये संबंध बोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं, जैसे के पास, के बिना, के यहाँ, के ऊपर, के मारे आदि, वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं के पीछे बिना विभक्ति के आते हैं, जैसे तक, भर, पहले, पीछे, समेत आदि। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। खुशी के मारे वह पागल हो रहा था। चोर घर के भीतर घुस गए। पर्वत के पीछे एक बड़ी झील थी। दोनों शत्रु आमने सामने खड़े हो गए। मेरे घर चोरी कुछ दिन पहले हुई थी। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय निम्नलिखित हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, विनिमयवाचक, समानता या सूचक, संग्रहवाचक, साधनवाचक, दिशावाचक, कारण सूचक, संबंध सूचक, उद्देश्यवाचक, विषय सूचक। संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में भेद। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, परंतु जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण भीतर चलो, संबंध बोधक दुकान के भीतर चलो, समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। जैसे रेखा और अमित चिड़ियाघर देखने गए, वह चलता रहा इसलिए समय पर पहुंच गया, पिताजी ने कहा कि मैं आज घर पर ही रहूंगा। स्पष्ट है कि रंगीन शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ रहे हैं, ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे नीतू और आशीष साथ साथ पढ़ते हैं, यह विद्यालय गया या नहीं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद: संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिमाणवाचक। संयोजक, जो शब्द एक ही वर्ग के दो या दो से अधिक पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे संयोजक कहते हैं। ये केवल चार हैं: और, तथा, एवं और व। इनका प्रयोग देखिए। गांधी जी ने देशवासियों को सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गांधी जी का जीवन सत्य एवं अहिंसा की शिक्षा देता है। विभाजक, जो शब्द एक ही श्रेणी के दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों आदि में से किसी एक को ग्रहण या त्याग का बोध कराते हुए दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे विभाजक कहते हैं। जैसे या, अथवा, चाहे, ना, या, चाहे, चाहे, ना। वह पुस्तक मोहित या दिनेश लाया होगा। ना वह मुझसे बोला, ना मैं उससे बोला। विरोधवाचक, जो समुच्चय बोधक दो वाक्यों को जोड़ते हैं और दोनों का परस्पर विरोध बताते हैं, वे विरोधवाचक कहलाते हैं। जैसे किंतु, पर, लेकिन, मगर, परंतु, बल्कि। वीर पुरुष अहंकारी नहीं होते बल्कि विनम्र होते हैं। वह विद्यालय आया परंतु अपनी पुस्तक नहीं।